हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यार बहुत दिन हो गए, लगभग यार 3 महीने हो गए होंगे यार मैंने व्लॉग नहीं डाला। अब उसके पीछे रीजन यार दोस्तों, मुझे लगता है सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि यार मेरे पास है ना कोई फ़ोन ही नहीं था। मेरा जो फ़ोन था वो गिर के टूट गया था, तो मैं व्लॉग नहीं डाल पाया उसके लिए। यार आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, मुझे बहुत लोगों ने यार सपोर्ट करा, स्टार्टिंग में इतने लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, और मैं यार किसी को बता ही नहीं पाया कि यार मैंने क्यों व्लॉग नहीं डाल पाया। बहुत लोगों को लगा कि यार मैंने गिव अप कर दिया, मैंने छोड़ दिया यूट्यूब, मेरे को कमेंट भी आए, लेकिन मैं कैसे बता था, क्योंकि मेरा भी इतने 1000 सब्सक्राइबर ही नहीं हुए, तो मैं पोस्ट भी नहीं डाल सकता। तो बहुत मुझे भी बुरा लगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ोन नहीं था इसलिए इतनी गेप हुई, कुछ और भी रीज़न थे, एक दो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे है ना, आज मैं फ़ोन ही कल लेके आ गया हूँ, और ये बहुत अच्छा फ़ोन है, आप गेस करके बताओ, क्वालिटी देखो। ये वाइड एंगल है, और ब्लॉगिंग के लिए वाइड एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो दोस्तों सामने देख रहे हो ना, ये है राला मंडल का पहाड़, मेरे घर से यार 2 किलोमीटर दूरी है, और वाइड एंगल से शायद ज़्यादा दूर लग रहा होगा। वैसे आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी है प्लीज़ बताना कमेंट करके मुझे। और अभी हम चलेंगे मेरे गांव के तालाब में, जहां पे मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि हमारे जो गांव का तालाब है ना, वो इतनी बारिश में फुल हो गया होगा लगभग। अभी देखा जाए ना तो बारिश आधी हुई है, मतलब आधा सीज़न पूरा बारिश का बाकी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि तालाब बहुत बड़ा है। तो आपके दोस्तों सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हो, टिप्स देना चाहते हो, तो प्लीज़ देना। तो गाइस, ये हमारे गांव का तालाब, और ये स्थिति इसकी लगभग पूरा हो चुका है, और अगर फिर भी अगर और ज़्यादा बारिश होती है ना, तब इसके फूटने का डर है। अभी थोड़ी देर पहले मोर की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी बंद हो गई। कहाँ से आ रही थी मोर की आवाज़? यहाँ से आ रही थी, वो है ना के पास से, ये खजूर के पेड़ के पास है ना।